हम अगर अपना अनुभव बताएं तो मेरे को योग लगाना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे हमने देखा सिचुएशन तो सबके लिए एक थी, लेकिन उस सिचुएशन में कोई किसी को भारी लग रहा था, लेकिन मेरे को तो बहुत हल्का लग रहा था, क्योंकि इतने लोगों के साथ बैठकर ऐसे संगठन में थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करने का भी एक बहुत अच्छा चांस था। क्योंकि ये देखा, पहले तो हम सबको ये थोड़ा सा ये बनाना चाहिए, जो बैठने का है तो 3 घंटा बैठने के लिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो सेंटर पर हम योग रखते हैं तो सुबह 5:30 पहले तो 3 बजे उठकर वो करते हैं 4:30 तक, फिर इसके बाद में स्नान करके जो भी सफाई करनी 5:30 से 6:30 बैठते हैं, फिर 6:30 से 7:30 मुरली क्लास है, और 7:30 बजे के बाद 1/2 घंटा बैठे, दूसरा कोई तो है नहीं, तो खुद ही करना होता है, तो ये बैठना कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए तो 3 घंटा बहुत हल्का है। और शाम टाइम भी ऐसे होता है 4:30 से 5 आधा घंटा योग, इसके बाद 5 से 6 मुरली क्लास, इसके बाद 6 से 7:30 बजे तक बैठते हैं, इसलिए ये 2.5-3 घंटा बैठना तो बिल्कुल हल्कापन है। हम देखते हैं ना, जैसे भक्ति में तो कितनी तपस्या किया, पूरा पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं, व्रत रखते हैं, और यहाँ 3 घंटा में पानी भी पीना है, जाना भी, ये बार बार उठना बैठना, तो पहले थोड़ा सा अपने लिए इसका भी होना चाहिए, क्योंकि अंत का समय होगा जब अभी हमारी योग तपस्या साधना के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी को आवाज भारी लग रही थी तो किसी को आवाज कम लग रही थी, किसी को बहुत सुविधा चाहिए, बहुत कूलिंग चाहिए कुछ, लेकिन जब हमारा, जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, वास्तव में जब तक हमारा आत्म चिंतन नहीं होगा, आत्म परिवर्तन नहीं होगा, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों को दी है, तो उसके लिए जब हम आत्म स्थिति में बैठेंगे तो इतना हल्कापन लगेगा, ना आपको गर्मी ना सर्दी, इसका बेभान ही तो छोड़ना है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, यहाँ दर्द वहां दर्द कब होगा, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ये फील किया, एक बैठे रहे 3 घंटा, मेरे को तो कुछ भी नहीं लग रहा था कि 3 घंटा बैठे हैं, और ना ही कुछ ऐसा फील हो रहा था, तो ये इसका भी हमें अभ्यास करना है। और फिर जब हमारा आत्म चिंतन चलने लग जाएगा, परमात्मा पिता के साथ हमारा संबंध जुट जाएगा, तो ना ही नींद होगी ना ही थकान होगी। जब तक हम देह भान में होते हैं, इसलिए हमें थकान नींद सब कुछ होता है, इसका थोड़ा सा अपने आप में चेक करो, भट्टी का यही मतलब है। तो इसके लिए जब हम सबका अभ्यास नहीं होगा तो कैसे करेंगे। एक बार हम किसी का कुछ पढ़ रहे थे तो उसमें देखा कि गुलजार दादी से कोई बहन, याद नहीं कौन है, मधुबन में शायद सुना या पढ़ा कि दादी, बाबा कहते कि विनाश रुका हुआ है, बच्चे तैयार हो जाए तभी विनाश होगा, लेकिन ये देखा जो दादियां थी उस समय दादियों का जो पुरुषार्थ था वो सतो प्रधान था, दूसरा पुर जो आया वो सतो आया, और तीसरा तमो, अभी बिल्कुल तमो प्रधानता हो गई इसमें भी, सुख साधन वैभव बहुत चाहिए, तो फिर विनाश कैसे होगा। जब बच्चों के कारण ही रुका है तो दादी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। दादी ने कहा कि पहले बच्चे हैं, पहले नंबर के जो बेहद के वैरागी बच्चे हैं, त्याग किया हुआ है, दूसरे हैं उनको ये चाहिए वो चाहिए, वो अंत के समय इधर उधर चले जाएंगे, साधन चाहिए, तो जो बच्चे बेहद के वैरागी, भले वो उस समय दादी के सामने के नहीं है, अभी भी है बच्चे, ऐसे नहीं कि इस समय नहीं पैदा हो रहे, उनके द्वारा ही, उनका ही ऐसा पावरफुल संकल्प होगा, क्योंकि ये तो विधि का विधान बना ही हुआ है, विनाश तो होना ही है, उन बच्चों के द्वारा ही होगा। तो वास्तव में हम सब को भी ऐसी अपनी स्थिति बनानी है, नींद तो होना ही नहीं चाहिए। नींद कब होती है, जब
अगर हम दो बातें कर रहे होते तो कभी नींद नहीं होती है। और हम किससे बातें कर रहे, किसके साथ मिलन मना रहे, आज क्या आज की मुरली में क्या है, हमारी किसके साथ वार्तालाप है, स्वयं परमात्मा के साथ। इतना हम सब द्वापर के भक्त हैं, शुरू के भक्त इसलिए यहाँ बैठे हैं, तो भगवास्तव में हमारा भगवान के साथ तो प्यार है। तो जब हमारा भगवान के साथ इतना अटूट प्यार है, तो जब हम बातचीत करने बैठे तो नींद कैसे, नींद तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इस पर हमें बहुत अभ्यास करना है, बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है जब हमारा ये चिंतन नहीं चलता है तभी नींद आती है। अगर चिंतन चलना शुरू हो जाए तो नींद नहीं आ सकती है। जब दुनिया में व्यर्थ चिंतन करते हैं तो उनके देखो कितनी नींद फिट जाती है। तो मैंने कल भी अनुभव किया, परसों भी अनुभव किया, इतना एकाग्रता का अनुभव हुआ कि एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं आया। क्योंकि ये थोड़ा सा जब सब एक ही उसमें बैठे हुए, एक जैसी सबकी फ्रिक्वेंसी मिल गई, तो ये वातावरण भी बहुत अच्छा हो गया। तो इसको हमने देखा कि आत्मिक स्थिति में रहना बहुत सहज है। तो इसलिए इसका योग का जो है बहुत अच्छा सफल, ये इसको सफल ही कहा जाए, बहुत अच्छी सफलता मिली। तो ऐसी भट्टी होनी चाहिए जिसमें हरेक को अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना आ जाए कि सचमुच हमारे में कितनी कमी है। हम लोगों ने बाबा को जीवन दिया है तो हमारा जीवन भी तो ऐसे होना चाहिए। बाबा हमें इतनी ऊंची नजर से देख रहा है तो ऐसे होना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, सभी को, सभी ने अपने अंदर चेकिंग तो की है, तो चेक एंड चेंज, चेंज करना है अभी से, आज से ये संकल्प होना चाहिए, क्योंकि इस भट्टी का रिजल्ट तो निकलना चाहिए ना। ओम शांति।